है और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो उसके लिए स्पाइस जेट की जो मैनेजमेंट है या जो वहाँ पर कार्यकारी अधिकारी हैं, उन्होंने क्या कुछ यात्रियों की सुविधा के लिए या कुछ उनके उनको जैसे बोल सकते हैं कि दिलासा देने के लिए क्या कुछ अभी तक इंतजाम किए हैं? देखिए, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि स्पाइस जेट की जो वहाँ पे ऑफिस थे या काउंटर, वो सारे के सारे बंद है। सारे स्पाइस जेट के कर्मचारी और मैनेजर जो है वो वहाँ से फरार हो गए हैं। यात्रियों की समस्या सुनने के लिए अभी तक कोई भी नहीं आया है। हालांकि अंतर्राज्यीय एयरपोर्ट के जो कुछ अधिकारी हैं, उन्होंने यात्रियों को दिलासा दिलाया है कि हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे और आपको जो है दूसरी फ्लाइट से आपको जहाँ जाना है वहाँ पर भेजेंगे। लेकिन अभी तक उनकी समस्या का निवारण नहीं हुआ है और अंदेशा ये भी लगाया जा रहा है कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो यात्री जो है स्पाइस जेट पर पुलिस केस भी दर्ज कर सकते हैं। अगर देखा जाए, जो अगर यात्रियों ने पुलिस केस दर्ज कर दिया, तो एक तरफ तो स्पाइसजेट पहले ही दिवालिया हो चुका है, तो दूसरी तरफ अगर उन पर केस दर्ज हो गया तो आने वाले समय में, जैसे अभी ये भी खबर सामने आ रही थी कि 15 दिन की मोहलत भी शायद दी जा सकती है स्पाइसजेट को ईंधन खरीदने की जो पेमेंट है वो देने के लिए, लेकिन अगर ऐसे रोष में आए यात्रियों ने केस दर्ज कर दिया तो आने वाले समय में जो एक रियायत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है कि स्पाइस जेट को थोड़ी रियायत मिल जाएगी, उस पर तो उनकी सोच के ऊपर पानी भी फिर सकता है। देखिए, बिल्कुल सही कहा। जो अगर किसी भी यात्री ने केस दर्ज करवा दिया तो स्पाइस जेट के लिए बड़ी मुश्किल जो है वो खड़ी हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो उस हिसाब से स्पाइस जेट ने अपनी ऑनलाइन बुकिंग जो है, हम आपको बताना चाहेंगे, वो अभी तक उन्होंने खोल रखी है। यात्री उस पर टिकट बुक करा रहे हैं, लेकिन जब यात्री एयरपोर्ट पर आते हैं तो उनके साथ वहाँ पर धोखाधड़ी का मामला साफ तौर पर सामने आता है। तो उन्हें जो धोखाधड़ी का मामला है, इसके तहत जो है दिल्ली पुलिस जो है स्पाइस जेट पर कार्रवाई कर सकती है अगर कोई यात्री कंप्लेंट देता है तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वाजी जी हमें इस मामले की पूरी जानकारी देने के लिए। जैसा कि हमारे दर्शक देख रहे हैं, हमें वाजी जी ने बताया कि दिल्ली पुलिस भी कार्रवाई कर सकती है। ऐसे में स्पाइस जेट के लिए जो हालात हैं वो बहुत ही ज़्यादा पेचीदा हो चुके हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी कंपनी के नाम के तौर पर स्पाइस जेट जाना जाता है, और मंगलवार को भी जो यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ तक कि दिल्ली में जितने भी यात्री हैं वो जैसे वाजिद जी बता चुके हैं कि हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही महंगी